मोदी जी, इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस साल से ज्यादा गर्मी कभी भी नहीं पड़ी है। तो क्या करें, हम भरी दोपहरी में आपके घर आ जाते हैं सब लोग मिलकर, और आप हमें रोज नए नए किस्से कहानी सुनाते हैं। आज कौन सी कहानी सुनाओगे मोदी जी, बताओ। राहुल, ये बात तो ठीक है, गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है इस बार। तुम सब लोग भी इकट्ठे होकर मेरे घर आ जाते हो और रोज दो दो गिलास दही का ताजा शरबत पीकर जाते हूँ। आज मैं तुम्हीं से पूछता हूँ, बताओ कौन सी कहानी सुनाऊँ, मेंढक और शेर वाली कहानी सुना दूँ? मोदी जी, आज जानवर या पक्षी वाली कहानी मत सुनाओ, किसी इंसान की कहानी सुनाओ। बहुत टाइम हो गया, किसी इंसान की कहानी आपने नहीं सुनाई है। रोज पक्षी या जानवरों की कहानी सुनाते हो आप। तो अगले चलो, मैं आज एक कंजूस की कहानी सुनाता हूँ। बहुत टाइम पहले की बात है, एक गांव में एक कंजूस रहता था। बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन अपने सारे धन को अपने सीने से लगा कर रखता था, और खाना पीना तो ऐसा कि नमक और रोटी से ही पेट भरता था। अरे मोदी जी, पेट तो भरता ही था, नमक या रोटी खाता था तो क्या हुआ, भूखा थोड़ी रहता था। योगी जी, तुम बीच में मत बोलो, और तुम तो ऐसी बातें करोगे ही क्योंकि तुम भी बहुत पैसा बचाती हो। एक दिन उसने सोचा कि आम का मौसम चल रहा है, रोज तो नमक रोटी खाता ही हूँ, आज मीठे मीठे आम खरीद कर लाता हूँ और आम खाऊंगा मैं। और बाजार में आम खरीदने के लिए वो निकल पड़ा और एक दुकानदार के पास जाकर बोला, आम क्या रेट दिए और ये आम कैसे हैं? दुकानदार बोला, आम तो सहज से ज्यादा मीठे हैं, और आप पहली बार मुझसे आम खरीदने आए हो तो सस्ते लगा दूंगा। लेकिन कंजूस ने सोचा, ये आम सहज से ज्यादा मीठे कैसे हो सकते हैं, तो मैं इसके आम क्यों खरीदूं, शहद ही ना खरीद लेता हूँ, शहद ही खा लूंगा। फिर वो शहद वाले की दुकान पर गया, शहद वाले से बोला, शहद क्या रेट दिया है, शहद प्योर तो है? शहद विक्रेता बोला, मेरा शहद बिल्कुल प्योर है, गंगा जल की तरह शुद्ध। मोदी जी, कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है, और फिर आगे क्या हुआ, बताओ बताओ। फिर क्या, उस कंजूस ने सोचा, ये तो अपने शहद को गंगा जल की तरह शुद्ध बता रहा है, तो मैं शहद क्यों खरीदूं, गंगा जल ही ना पी लेता हूँ। पास में ही गंगा नदी बह रही थी, वहां जाकर उस कंजूस ने गंगा जल पी लिया। मोदी जी, आज तो आपकी कहानी में मजा आ गया। मोदी जी, कल भी ऐसी कहानी सुनाना, बहुत मजा आया आज की कहानी में। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। समझ में नहीं आ रहा है, जैसी मैं वाटर पंप के इस इंजन को हैंडल लगाकर स्टार्ट करना शुरू करती हूँ, तुरंत खटखट की आवाज से इंजन तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वाटर पंप में से पानी नहीं निकलता, या कहीं पूरी तरीके से ये इंजन स्टार्ट तो नहीं हो पा रहा है। चलो मैं ये मान लेती हूँ, अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये आवाज कहाँ से आती है, खट 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 खट, जैसे इंजन स्टार्ट होता है। अब सोनिया जी को क्या पता, मैं इनके पीछे ही खड़ा हुआ हूँ, और ये जैसे इंजन में हैंडल लगाकर हैंडल को इंजन स्टार्ट करने के लिए घुमाती हैं, मैं तुरंत पीछे से ये दो बर्तन जो हाथ में है इन्हें आपस में हल्के हल्के लड़ाने लगता हूँ, और आवाज आने लगती है खटखट खटखट। अब सोनिया जी को लगता है इंजन स्टार्ट हो गया, वो हैंडल निकाल लेती है, लेकिन इंजन स्टार्ट होता नहीं है। कम से कम आधे घंटे से मैं इसी तरीके से सोनिया जी को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन सोनिया जी मुझे देख ही नहीं पा रही है, मैं उनके पीछे खड़ा हुआ हूँ। वो तो ये गाँव अभी तक राहुल नहीं आया है, अगर राहुल ही होता यहाँ पर तो मुझे देख लेता। राहुल भी पता नहीं कहाँ पर रह गया, इंजन में से तो आवाज आ रही है खटखट खटखट की, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कहाँ पर है राहुल। वो आकर देखता, वो इंजन को स्टार्ट करता, भाई मैं तो हार गई इसे स्टार्ट करते करते। खेत में सिंचाई करने को देर हो रही है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वाटर पंप नहीं चल पा रहा है। अरे मम्मी जी, इंजन स्टार्ट होगा कैसे, पीछे देखो, ये देखो मोदी जी, देखो ये क्या कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से इंजन के हैंडल को घुमा ही नहीं पाती हो। उससे पहले ही मोदी जी ये अपने दो बर्तन से आवाज करने लगते हैं, जैसे इंजन स्टार्ट होता है उस तरीके की तुम इंजन के हैंडल को निकाल लेती हो। तुम समझती हो कि इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन ये इंजन स्टार्ट थोड़ी हुआ होता, ये तो मोदी जी की कोई नटखट हरकत है, वो तो मैं तो पीछे से आ गया तो मैंने देख लिया, नहीं तो आप पूरा दिन परेशान होती रहती हैं। आज मोदी जी इस तरीके से मेरी मम्मी जी को परेशान कर रहे हो, ये हरकत आपको शोभा नहीं देती। और राहुल, जो तुम मुझे परेशान करते हो तो तुम्हारी हरकतें शोभा देती हैं। एक बार तुमने भी तो मुझे बहुत परेशान किया था, मैंने सोचा मैं भी क्यों ना तुम लोगों के साथ मजाक कर लूं। वैसे सोनिया जी बहुत देर से परेशान है, ये वाटर पंप के इंजन के हैंडल को जैसी घुमाना शुरू करती थी, मैं तुरंत ये दो बर्तन आपस में लड़ाकर बजाने लगता था। सोनिया जी समझती थी कि वाटर पंप का इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता था, वो तुरंत हैंडल निकाल लेती थी। बड़ा मजा आया इतनी देर तक। और भाइयों को वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मेरे बेटे राहुल, इस भैंसा गाड़ी में धक्का लगा धक्का लगा।
मुझसे और बहन मायावती जी से ये भैंसा गाड़ी खींची नहीं जा रही है, धक्का लगा। अरे मम्मी जी एक बात बताओ, कितना धक्का लगाऊं इस भैंसा गाड़ी में? मैं आपसे कहता हूँ कि भैंसे खरीद लो, दो भैंसे खरीद लो, लेकिन आप मेरी एक भी नहीं सुनती हो। इन भैंसों की जगह पर इस भैंसा गाड़ी को आप और मायावती जी खींचती हो बजर रख कर इस पर। इतनी मेहनत आप दोनों को करने की क्या जरूरत है? दो भैंसे खरीद लो, फिर वो भैंसे इस वजन को खींच कर ले जाया करेंगे, आमदनी भी अच्छी हो जाएगी अपनी। ये बता मेरे बेटे, भैंसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? 1,00,000 रुपए के भैंसे मिलेंगे। अब इस भैंसा गाड़ी पर बजर रखकर मैं और बहन मायावती जी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं इस सामान को, और अच्छे पैसे मिलते हैं, आमदनी भी अच्छी हो जाती है। थोड़े पैसे मैं बहन मायावती जी को दे देती हूँ, बाकी पैसे अपना रख लेते हैं, क्योंकि ये भैंसा गाड़ी तो अपनी ही है। अभी ये अपना सारा सामान मोदी जी का लेकर जा रहे हैं। अरे मोदी जी आप ही गए। सोनिया जी आप तो कह रही थी ये सारा का सारा सामान आप 1 घंटे में मेरे घर पहुंचा दोगी, लेकिन मैं घर पर इंतजार करते करते थक गया। जब आप नहीं पहुंची घर तो मैं रास्ते में आपको देखने के लिए निकल पड़ा। अब आप आधे रास्ते में मुझे मिली हो, अभी तो मेरे घर पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा आपको। आपकी इस भैंसा गाड़ी पर मैं अपने लकड़ी की पिलाई रख कर ले जा रहा हूँ। मेरे घर पर कारपेंटर खाली बैठा हुआ है, क्योंकि जब तक उसके पास ये लकड़ी की पिलाई नहीं पहुंचेगी तब तक वो मेरी दरवाजे और खिड़की तैयार नहीं करेगा। राहुल तुम ही तेजी से धक्का लगा दो, जल्दी पहुंचा दो मेरी इस लकड़ी की प्लाई को मेरे घर पर। मोदी जी हम खींच तो रहे हैं इस भैंसा गाड़ी को, और कितनी तेज खींचे? आपको अगर इतनी जल्दी थी किसी मोटर गाड़ी में ले जाते अपनी ये लकड़ी की प्लाई को अपने घर पर। और सोनिया जी मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, मेरा पैसा बढ़ाओ, आप मुझे काम करने के बहुत कम पैसे देती हो। अगर 100 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए में से 20 रुपए आप मुझे देती हो। एक बात बताओ मायावती जी, और इससे ज्यादा पैसे क्या लोगी आप? आपको सिर्फ भैंसा गाड़ी खींचने के पैसे देते हैं हम, बाकी तो भैंसा गाड़ी तो हमारी ही यही है, और मेरी मम्मी भी साथ में भैंसा गाड़ी को खींचती है। मोदी जी आप घर जाओ, आप 15 मिनट इंतजार करो, हम 15 घंटे में सामान लेकर आपके घर पर आ रहे हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।